आगामी योजना क्या रहेगी? आपको यहाँ 16-17 दिन हो गए हैं यहाँ स्ट्राइक करते हुए और आपकी दिल्ली सरकार नहीं सुन रही है, तो आगामी योजना क्या रहेगी? आप अपना नाम बताएं। मैं डॉक्टर इंद्रानी शर्मा हूँ। मैं 2007 से इस संस्थान में हूँ, पर प्रॉब्लम ये है कि आगामी हमारी देखिए कोई मांग नहीं है। हम कभी भी स्ट्राइक में, जैसे डॉक्टर सविता, डॉक्टर सुप्रीति, डॉक्टर नीता बोल रही थी या डॉक्टर अलका अब तक बोलते आ रहे हैं, हम लोग कोई नहीं चाहता कि हम लोग इस सेवा में स्थगित करें। ठीक है, हमारे जितने भी मरीज है, जितने भी हमारे काउंटर पार्ट है, सभी बोलते हैं मेरा मरीज वहाँ पर परेशान हो रहा, इस बच्चे को टीका नहीं लगा। तो हमारी योजना है कुछ नहीं, आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हम लोगों को दे दे, बोले तुम्हारा इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे तुम लोगों को मिलेगा, हम लोगों को वो पत्र दिखा दे, हम लोग उठने को तैयार है। पर अगर हम लोगों को वो नहीं मिलेगा, हम बड़ी मुश्किल से हम लोग स्ट्राइक पे आते हैं, हमारा मन नहीं मानता। हम लोग सब डेडिकेटेड वर्कर्स हैं, पर ये है हम इसलिए डेडिकेटेड हैं क्योंकि हमने जो सेवा भावना हमने कॉलेज लाइफ से शुरू करी थी, इंटर्नशिप में करी थी, हाउस जॉब में, बिजी में करी थी, वही डेडिकेशन हमारे अंदर में घुसी हुई है। तो हम लोग चाहते हैं हमारे एक एक मरीज, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो गर्भवती महिला हो, चाहे वो वृद्ध हो, सबको अच्छा मिले, ठीक है, सुविधा मिले। पर हम तभी कर पाएंगे जो हमारी वो जिसे मांगी पूरी होगी। जब तक पूरी नहीं होगी हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये बार बार की स्ट्राइक नहीं है। इस बार हम आर या पार की लड़ाई लड़ के ही उठेंगे और ये सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि ये जो है हमारी बात ये मान्य है, हम कोई अमान्य चीज़ें नहीं कर रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी अधिकार है, हक है।